भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूलों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर देवी देवता को अलग अलग फूल प्रिय होते हैं और इन्हें चढ़ाने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ प्रमुख देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाले प्रिय फूलों की जानकारी दी गई है। भगवान शिव को धतूरा और बेलपत्र प्रिय हैं। इन फूलों को शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और विशेष कृपा प्राप्त होती है। आंख मदार का फूल भी शिव को चढ़ाया जा सकता है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते और पीले फूल प्रिय हैं। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। पीले रंग के फूल भी उन्हें प्रिय हैं, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक हैं। भगवान गणेश को लाल गुड़हल और गेंदे के फूल प्रिय हैं। लाल गुड़हल के फूल उन्हें प्रसन्न करने के लिए उत्तम माने जाते हैं। माता लक्ष्मी देवी लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाने से धन, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। कमल का फूल उनके साथ हमेशा जुड़े रहने वाला प्रतीक है। माँ दुर्गा को लाल कनेर और गुड़हल के फूल प्रिय हैं। यह फूल शक्ति और साहस का प्रतीक माने जाते हैं। भगवान हनुमान को लाल गुड़हल और गेंदे के फूल प्रिय हैं। लाल गुड़हल उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। भगवान कृष्ण को तुलसी और पीले रंग के फूल प्रिय हैं। तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। सूर्यदेव को लाल कमल और आंख मदार का फूल चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा और सफलता प्राप्त होती है। माँ सरस्वती को सफ़ेद कमल और अपराजिता के फूल प्रिय हैं। सफ़ेद कमल शांति और ज्ञान का प्रतीक है। काली माँ को लाल गुड़हल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। यह फूल शक्ति और क्रोध का प्रतीक है। नियम और सावधानियाँ हाँ, फूलों को तोड़ने के बाद तुरंत भगवान को अर्पित करना चाहिए। मुरझाए फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। विष्णु भगवान को कभी आंख और धतूरा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए और तुलसी माता को कभी भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। भगवान को सही फूल अर्पित करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है।